आज शाम को अराउंड 6 बजे मैं गेम खेल रहा था, तो वहाँ पे जैसे ही मेरा मैच खत्म हुआ 30 मिनट का अपने को बैन पड़ गया। तो यार रीजन आप सामने देख सकते हो, सेम वही डाटा एरर वाला कुछ इशू है, जो कि यार मिस्टर स्पाइक बंदूकबाज केस्ट और बहुत से यूट्यूबर्स के अकाउंट भी सेम यही वजह से बैन हो रहे थे। लेकिन यार मैक्सिमम अकाउंट्स जो थे कॉन्क्रीट ईयर पे थे वही बैन हो रहे थे, लेकिन मेरा तो अभी यार क्राउन 1 लगा था, ये सपनी जस्ट होने वाली थी। बाकी यार अभी के लिए तो अकाउंट जो है अनबैन हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट का बैन पड़ा था। लेकिन जितना मेरे को बताकर मैं वापस खेलने का ट्राई करूंगा, तो यार वापस से अपने को मे बी 1 दिन या फिर 7 दिन का बैन लग सकता है, क्योंकि बाकी सारे क्रिएटर्स के साथ भी ये सेम चीज हो रही थी। पहले उनको 30 मिनट का बैन पड़ा, उसके बाद 1 दिन, फिर 7 दिन कैसे उनको बैन पड़ा था। बाकी यार मेरा अगर खुद का अपना अकाउंट होता तो मे बी रिस्क मैं ले सकता था खेलने का, लेकिन यार ये अकाउंट गौरव भाई का है और यार सामने आप देख ही सकते हो काफी अच्छा खासा अकाउंट है, तो इस पे तो मैं बिल्कुल भी रिस्क ले नहीं सकता। तो यार ब्रॉन्ज 5 से स्टार्ट किया था, इसलिए लॉबी उतनी कुछ खास आ नहीं रही थी, तो एफ डी भी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे हाई था। तो यार मेरा एफ डी तो क्राउन 1 पे 11 या 12 के बीच में था, तो मेरे को बैन कर दिया। लेकिन ये जो भाई लीडर बोर्ड में बंदे टॉप में बैठ रखे हैं, तो यार पहले वाले बंदे का 13 का एफ डी था, दूसरे वाले बंदे का यहाँ पे 11 के अराउंड एफ डी, और जो तीसरा बंदा भाई इस बंदे का एफ डी देखो 20 का एफ डी है। अब यार ये बंदों का अकाउंट तो बैन हो नहीं रहा है, जो बंदे लेजिट खेल रहे सिर्फ उनकी आई डी पे ली जा रही है। बाकी यार जिस गेम में अपने को बैन लगा, लकीली उस टाइम पे मेरी रिकॉर्डिंग होनी थी, तो अभी आपको मैं वो वाला गेम प्ले दिखाता हूँ। फिलहाल अभी यार यहाँ पे अपने को जोन के अंदर जाना था, तो एक बार फुल बूस्ट वगैरह यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे ही मैं जोन के अंदर एंटर करता हूँ, उतने में राइट साइड से एक बंदा अपने ऊपर शॉट्स लेता है। तो यार ये वाला बंदा यहाँ पे लकीली अपने को ज़्यादा तो डैमेज नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पे ओपन में फाइट लेने का रिस्क ले नहीं सकता, तो अभी के लिए मैं इसके बाद वाला जोन बनने का वेट कर रहा था। तो यार यहाँ पे इसके बाद वाला जोन जो होता शिफ्ट हो जाता है, तो मैं सोचा एक बार जोन के अंदर जो कंपाउंड है वहाँ पर चेक करके आता हूँ, मे बी वहाँ पर कोई बंदा ना हो। अब यार यहाँ पे कंपाउंड्स पे तो गाड़ी थी, लेकिन अभी पीछे वाली साइड से एक बंदे के मेरे को फुट स्टेप आते हैं। अब यार यहाँ पे बाहर वाली साइड पे एक बंदा था, लेकिन मेरे को सही से उसकी लोकेशन पता नहीं थी, तो मैं सोचा ज़्यादा यहाँ पे बाहर जाने का रिस्क मैं नहीं लेता हूँ। तो यार अभी के लिए मैं यहीं पे होल्ड कर रहा था, उतने में मेरा मैप में ध्यान जाता है, तो यार यहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज एक बंदे के मेरे को फुटप्रिंट आ रहे थे, लेकिन यार ये वाला बंदा बिल्कुल भी साउंड दे नहीं रहा था, तो मैं सोचा एक बार यहाँ पर मैं चेक करने का ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पे मैं नेड एक पिन करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इसके बाद ही वो बंदा कोई भी साउंड नहीं करता है। अब यार अंदर वाली साइड मैंने चेक कर लिया था, तो मेरे को लगा बंदा शायद से बाहर वाली साइड पे खड़ रखा है, तो यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ बंदा यहाँ पे भी था। अब मेरे को लग रहा था बंदा मे भी छत के ऊपर हो सकता है, लेकिन अब यार यहाँ पे देखना वाला बंदा अपने को कहाँ पे स्पॉट होने वाला है। तो यार ये वाला बंदा एकदम आराम से यहाँ पे बैठ रखा था। अब यार जब मैं कंपाउंड में आया था, तो स्टार्टिंग में ये जगह पे आके बैठा था, तो ये बंदा मेरे को इजी फिनिश कर सकता था, लेकिन पता नहीं बंदे ने क्यों नहीं मारा। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी कि इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर ही बन जाता है। तो अभी के लिए यहीं पर मैं होल्ड कर रहा था, उतने में लेफ्ट साइड से एक बंदे का मेरे को अभी साउंड आता है। अब यार जो सामने अपने बंदा आया था, उस बंदे को लेफ्ट साइड से कोई और बंदा M4 से फिनिश कर देता है। फिर यार यहाँ पे किल फीड नोटिस करना, जो M4 वाला बंदा था उसको कोई और तीसरा बंदा भी स्कारल से फिनिश कर देता है। तो यार ये वाला बंदा यहाँ पे जोन के बाहर था, मेरे को पता बंदा को जोन के अंदर आना ही है। अब यार यहाँ पे सामने की साइड एक बंदा आके रुक जाता, मेरे को लगा था बंदा मे बी डायरेक्ट कंपाउंड पे आएगा, लेकिन ये बंदा नीचे रिज पे रुक गया था। तो यार मेरे को लगा था मे बी बंदा नेड वगैरह करने का ट्राई कर सकता है, तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं सेफ बैठता हूँ, लेकिन ये बंदा भी नेड वेट कर नहीं रहा था, तो सामने से मेरे को साउंड तो आ ही रहा था, तो मैं सोचा एक नेड मैं इस बंदे पर ट्राई करता हूँ। तो यार ये वाला बंदा तो एकदम इजी यहाँ पे नेड से फिनिश हो गया। फिलहाल के मेरे को छोड़ के 3 बंदे भी और अलाइव थे, और अभी के लिए जोन भी शिफ्ट हो चुका था। अब यार यहाँ पे नीचे वाली साइड में एक बंदा कोई K98 से फिनिश करता है, तो इतना तो मेरे को पता था एक बंदा भी नीचे लेफ्ट साइड में कहीं पे है, लेकिन दूसरे बंदे की फिलहाल के लिए मेरे को लोकेशन का कुछ आइडिया था नहीं। यार ये वाला पेड़ मेरे को सही लगा, यहाँ पे आके मैं रुक जाता हूँ। एक बंदा तो मेरे को पता था लेफ्ट वाली साइड में, और दूसरा बंदा मेरे को लगा था मे भी नीचे साइड पे कहीं पे हो सकता है, लेकिन अब यार यहाँ पे लेफ्ट साइड में उन दोनों बंदों का फाइट हो जाता है, तो मैं समझ गया था अभी दोनों बंदे सामने की साइड पे कहीं पे।
अब यार यहाँ पे राइट साइड वाले बंदे को नेर से फिनिश किया, दूसरे बंदे को ग्रोजा से फिनिश किया, और यार तभी अकाउंट पे बैन लग गया। अब यार यहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं, बाकी अगर आपको जो लास्ट के दोनों बंदों को फिनिश किया वाला क्लिप अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अब यार चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम पे। तो अब यार यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था, उतने में सामने वाले कंपाउंड्स पर भी दो बंदों का फाइट होता है, तो यहाँ पे मैं सोचा मैं थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता हूँ। अब यार ये वाला नेड यहाँ पे कंपाउंड के अंदर तो गया था, लेकिन मे भी उतने में बंदे ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली थी, तो पहले तो मैं सोच रहा था फाइट नहीं लेता हूँ, फिर मैं सोचा मे भी बंदा थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है तो यहाँ पे फाइट लेने का ट्राई करते हैं। अब यार यहाँ पे जैसे ही मैं नेड करने का ट्राई करता हूँ, मेरे को सामने वाले बंदे का भी नेड पिन करने का साउंड आता है, तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा सेफ आ जाता हूँ। लेकिन यार वो वाला बंदा तो अभी नेड करता नहीं है, तो मैं सोचा बाहर जाके एक और वाली नेड करने वाले बंदे पर ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पे राइट साइड से एक बंदा अपने को कार 98 का हेडशॉट मार देता है, वो तो यार अपनी किस्मत अच्छी थी कि अपने पास लेवल 3 का हेलमेट था, इसलिए मैं बच गया। अब यार ये वाला बंदा सामने ओपन से पीक कर रहा था, लेकिन इस बंदे को पीक करता नहीं, उतने में एक और बंदा अपने कंपाउंड पे यहाँ पे आ जाता है। अब यार ये वाला बंदा तो फिनिश हो गया, लेकिन जो अभी साथ वाले कंपाउंड में बंदा था अपने पे रश करते हैं। तो यार दूसरे बंदे को भी यहाँ पे जैसे जैसे फिनिश कर दिया। फिलहाल मेरे को लगा था कार 98 वाला बंदा मे भी रश कर सकता है, लेकिन अभी के लिए ये वाला बंदा रश कर नहीं रहा था, लेकिन ये वाले बंदे को भी अभी जोन में तो आना था ही। तो ये वाला बंदा भी एकदम ईजी यहाँ पे फिनिश हो गया, फिलहाल के लिए जोन शिफ्ट हो चुका था, तो अपने को भी जोन में निकलना है। तो भी यार यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था फिलहाल के लिए, इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, उतने में सामने वाली साइड पे भी मेरे को एक बंदा ओपन में स्पॉट होता है। अब यार ये वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज पड़ गया था, लेकिन उसके बाद बंदा अपने लिए वहाँ पे शील्ड लगा लेता है। फिलहाल यार यहाँ पे जोन भी शिफ्ट हो गया था, तो अपने सामने की साइड पे जो कंपाउंड था ये भी जोन के अंदर था, तो मैंने सोचा यहाँ पे चलता हूँ, लेकिन मेरे को लगा मे भी कोई बंदा पहले से हो सकता है, तो एक बार मैं बाहर वाली साइड पर कवर बनाता हूँ। और यार यहाँ पे सामने वाली साइड में अपने एक बंदा लेट रखा था, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे जैसे 1 HP बचा था, अब बंदा यार ओपन में रश कर रहा था, तो मेरे को पता था अब यहाँ पे हील नहीं कर सकते, तो लेकिन एक और शील्ड थी, तो अभी शील्ड ने अपने को बचा लिया। तो यार ये वाला बंदा भी एकदम इजी यहाँ पे फिनिश हो गया, फिलहाल के लिए मेरे को छोड़ के सिर्फ 2 ही बंदे और अलाइव थे। अब यार ये वाले बंदे को एक हेडशॉट मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन जो दूसरा बंदा था लास्ट में इसका फिनिश उठा लेता है। फिलहाल अभी यार लास्ट वाला जोन भी सामने वाले बंदे पे बन गया था। अब यार बंदे ने मेरे को भी डैमेज दिया था, लेकिन मैंने उस बंदे को थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे दिया था, तो मेरे को पता था बंदा भी हील करने का ट्राई करेगा, उतने में मैं यहाँ पे जोन के अंदर आ जाता हूँ। तो भी यार यहाँ पे इसके बाद वाला जोन भी सामने वाले बंदे पे बन गया था, तो मैं सोचा कि अभी पहले तो इस बंदे का व्यू ब्लॉक करके मैं जोन के अंदर जाने का ट्राई करता हूँ। तो भैया सामने वाले बंदे ने भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक रैंडम स्मोक किया था, तो यहाँ पे मैं पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, तो फिर मैं समझ गया उस बंदे ने मेरे को कंफ्यूज करने के लिए ये वाला स्मोक किया, क्योंकि यार वो वाला बंदा जोन के अंदर कवर में ही था, तो मेरे को पता था अपना कवर छोड़ के बंदा क्यों ही लेफ्ट साइड में आएगा। अब यार यहाँ पे अगर वो वाला बंदा नेट से फिनिश नहीं होगा, तो उसकी शील्ड तोड़ने के लिए मैंने अच्छी खासी एमओ मंगवा ली थी। अब यार यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था, फिलहाल सामने वाले बंदे का मैं स्मोक हटने का वेट कर रहा था। तो
यार ये वाला बंदा भी यहाँ पे एकदम इजी नेट से फिनिश हो गया फिलहाल के लिए। ये वाले गेम में अपने अच्छे खासे किल्स थे, लेकिन यार सिर्फ यहाँ पे अपने को 30 का प्लस मिला था। बाकी यार अभी के लिए तो गौरव भाई की आईडी पे खेलने का रिस्क ले नहीं सकते, लेकिन कोई ना नेक्स्ट सीजन गौरव भाई की आईडी पे कॉन्कर लगाएंगे। बाकी यार अभी के लिए तो अपने पास कोई और अकाउंट है नहीं, तो देखते हैं जैसे अपने को कोई अकाउंट मिलता है वापस रैंक पर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब किए ना मत जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।